ओके हाय एवरीवन। सो आज हम एचसीवी का क्वेश्चन नंबर 66 डिस्कस करेंगे। सो इट सेज अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 8 माइक्रोफेरेड इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 6 वोल्ट थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ 24 ओम। फाइंड द करंट इन द सर्किट। ऑप्शन ए जस्ट आफ्टर द कनेक्शंस आर मेड एंड ऑप्शन बी वन टाइम कॉन्स्टेंट आफ्टर द कनेक्शंस आर मेड। फाइन। तो देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस 8 माइक्रोफेरेड दे रखा है। इस कैपेसिटर को आप एक रेजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस कितना है 24 ओम, इसको लेके एक बैटरी से कनेक्ट करोगे। जो बैटरी है उसका ईएमएफ आपको कितना दे रखा है 6 वोल्ट, और इस सर्किट को आप टी इज इक्वल टू जीरो पे कंप्लीट करोगे। तो क्या होगा कि इस सर्किट में एक करेंट आएगा आई, जो कि टाइम का फंक्शन होगा। उसके कारण ये जो कैपेसिटर है ये चार्ज होना स्टार्ट होगा। इस वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज और इस वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज। सो जो करंट आएगा इस सर्किट में आई वो टाइम का फंक्शन होगा, दैट विल बी आई नॉट ई राइज टू द पावर माइनस टी बाय टाउ। यहाँ पे जो आई नॉट है वो करंट की मैक्सिमम वैल्यू है जो कि टी इज इक्वल टू जीरो पे आती है, और जो टाउ है वो टाइम कॉन्स्टेंट है जिसको आप आर सी भी लिखते हो ना, टाउ इज इक्वल टू आर सी होता है। नाउ जस्ट आफ्टर दिस कनेक्शन इज मेड, इट मीन्स टी इज इक्वल टू जीरो है ना। सो टी इज इक्वल टू जीरो पे जो करेंट आएगा इस सर्किट में वो मैक्सिमम करेंट होगा जिसकी वैल्यू होगी आई नॉट। सो आप इस फंक्शन में पुट करके भी देख सकते हो, जैसे आई इज इक्वल टू आई नॉट ई राइज टू द पावर माइनस टी की वैल्यू अगर मैं जीरो पुट करूंगा सो ये जो ई की पावर है ये जीरो हो जाएगी। सो आप देखो आई नॉट ई राइज टू द पावर जीरो, ई राइज टू द पावर जीरो दैट इज वन। किसी भी नंबर की किसी भी वेरिएबल की अगर पावर जीरो है इट मीन्स दैट वैल्यू विल बिकम वन है ना, सो इट इज आई नॉट। सो ये आपको याद रखना है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ बट आपको ये डायरेक्टली यूज करना है। आई नॉट इज द मैक्सिमम करेंट इन द सर्किट जो कि टी इज इक्वल टू जीरो पे आता है, और आई नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है ई बाय आर है ना। ई दैट इज ई एम एफ of the battery that is 6 for this question, and R that is the resistance in the circuit which is 24, so 24, so it will become 1 by 4 or you can say 0.25 ampere। now agar hum baat karte hain after one time constant, so t is equal to tau pe, after one time constant means jo aapka t ki value hai wo tau ke barabar ho jayegi। so for this particular question jo part b hai na is question ka, इसमें I इज इक्वल टू आई नॉट ई राइज टू द पावर माइनस टी बाय टाउ। यहाँ पे अगर आप t की वैल्यू टाउ पुट करते हो, अगर यहाँ पे मैं t की वैल्यू टाउ पुट करूंगा सो टाउ बाय टाउ विच इज वन, सो इट विल बिकम आई नॉट ई राइज टू द पावर माइनस वन। और ये आपको अगेन याद रखना है, e एक नंबर है जिसकी वैल्यू होती है 2.7, 1 बाय e विच इज ई राइज टू द पावर माइनस वन है ना, ये वैल्यू होती है 0.37, और 1 माइनस 1 बाई ई ये भी बहुत यूज होता है दैट इज 0.63। सो ये कुछ डेटा है जो कि आप दिमाग में रखो सो दैट क्वेश्चन न्यूमेरिकल करने में आसानी होगी। सो यहाँ पे आप देखो आई नॉट इंटू 1 बाई ई बेसिकली, सो आई नॉट की वैल्यू जो है मैक्सिमम करंट अभी आपने निकाला 0.25 इंटू 1 बाई ई दैट इज 0.37 है ना। सो इसको जब आप करोगे सो ये कुछ 0.09 एम्पियर के नज़दीक आती है। और टाइम कांस्टेंट को हम इस तरह से भी डिफाइन करते हैं कि यू नो आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट जो करंट है सर्किट में वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू का ओनली 37% ही रह जाता है। तो ये भी आप डायरेक्टली यूज कर सकते थे इस क्वेश्चन में, वन टाइम कांस्टेंट के बाद जो करंट है सर्किट में वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू का 37% ही रह जाता है इन चार्जिंग आरसी सर्किट, जहाँ पे जो आपका करंट है वो डीके करेगा ना, आई इज इक्वल टू जीरो पे, टी इज इक्वल टू जीरो पे मैक्सिमम और टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे जाके जीरो होगा। होप यू हैव अंडरस्टूड। कीप वर्किंग हार्ड। बेस्ट ऑफ लक।